बहादुरगढ़ में लगातार शातिर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला डाबोदा खुर्द गांव से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। दरअसल अज्ञात चोरों ने पहले स्कूल के ताले तोड़े और फिर परिसर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे बच्चों के टैब, कंप्यूटर, बैटरी, इन्वर्टर और 3 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इतने से भी मन न भरने पर उन्होंने स्कूल में रखे बच्चों के मिड डे मील पर भी हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में हलचल मच गई। ग्रामीणों की माने तो ये चोरी की कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिलेंडर और इन्वर्टर, बैटरी और कंप्यूटर, लैपटॉप, कई चीज चोरी हुई है जी, आज रात को हुई है और पहले भी 2-3 बार चोरी हो चुकी है। आप कोई समाधान नहीं हुआ अब आज तक जी। चौकीदार है स्कूल में? नहीं, चौकीदार जी 2-3 बार जी डीसी से लिख के दे दी, लिखित में दे दी, नहीं चौकीदार। और 3 टीचर है यहाँ परमानेंट, 104 बच्चे है, नहीं आई यहाँ कोई टीचर है जी। प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, जिसमें टीचर और नहीं चपड़ासी और नहीं चौकीदार। तो प्रशासन से अब क्या मांग करेंगे? अब यही मांग है, या तो हमारा समाधान कर दो, नहीं तो हम ताला लगा गए और स्कूल को बंद करेंगे। वहीं इस मामले में जब प्रिंसिपल रामबीर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी और चोरी की घटनाओं को लेकर उन्होंने कई बार सरकार और प्रशासन से शिकायत की है। यहां तक कि उन्होंने कई बार स्कूल में चौकीदार रखने की भी मांग की, जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। सूरी जी, हम सुबह आज आए तो हमें ताले टूटे मिले हैं, ऑफिस के ताले, अलमारियों के ताले, हमारी जो मिड डे मील का जो जहाँ रसोई है उसके ताले। तो मोटे तौर पर जो हमें अभी तक पता चला है, 3 सिलेंडर हमारे गायब हैं, 3 बैटरियाँ इन्वर्टर की वो गायब हैं, 5 हमारी टैब नहीं मिल रही हैं, 5 टैब गायब हैं बच्चों के लिए जो होती हैं। स्पोर्ट्स के सामान में 2 गोले थे, 4 गोले थे, उसमें से 2 ही बचे हुए हमारे पास अभी मिले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे साइंस का भी कुछ सामान उसमें से मिसप्लेस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से चीज़ें बहुत सारी गई हैं। पहले भी चोरी हुई क्या? पहले एक बार जून के महीने में एक ताला जरूर टूटा था, लेकिन सामान कुछ उस वक्त गया नहीं था। तो सुरक्षा के लिए स्कूल में कोई चौकीदार वगैरह नहीं? चौकीदार कोई नहीं। आपने डिमांड नहीं करी? बहुत बार डिमांड कर रखी है, चौकीदार नहीं है, 6 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक भी हमारे पास नहीं है। निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब वो सरकार का काम है। उसके कितने विद्यार्थी हैं सर उसमें? 104 विद्यार्थी हैं और अध्यापक 3 तो हमारे पास रेगुलर टीचर हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल इस तरह से पार्ट टाइम टीचर की तरह, एक अभी HKRN की तरफ से भी हमारे PTI पोस्ट पर आया हुआ है। इस तरह से हमारे पास छोटा सा स्टाफ। फिलहाल इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ने की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।